नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉरपोरेट टैक्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट और प्लानर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको कहते हैं इनकम टैक्स बेसिक्स। ये बेसिक्स वर्ड बोलने का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग ये है कि सबसे पहले देखिए, हमको ये पता रहे कि टैक्स किस पे लगता है। दो लोग हैं, एक राम और एक श्याम। राम जो काम करता है वो सारा लीगल काम करता है, श्याम जो काम करता है पूरा इलीगल काम करता है। राम की पत्नी बोलती है कि भाई मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो लीगल काम करते हैं और उनको पूरा टैक्स पे करना पड़ता है, उनका टीडीएस कट जाता है, सब चीज़ उनको ही लगता है। उधर श्याम की वाइफ बड़ी सुखी रहती है, बोले ये तो पता नहीं क्या करते हैं लेकिन जो भी करते हैं उस पर टैक्स तो कुछ नहीं लगता, हम तो भाई कोई टैक्स नहीं देते। तो राम की पत्नी डिस्करेज हो जाती है, वो राम को बोलती है कि सुनिए जी, ये जो है ना टैक्स हमारे ऊपर ही लग रहा है, क्यों ना हम भी इसको बचाने की कोई कोशिश कर लें। तो राम और राम की पत्नी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो वो श्याम की पत्नी को जरूर बता दे। वो क्या है मैं बता रहा हूं, इनकम टैक्स लीगल इनकम पे भी लगता है और इलीगल इनकम पे भी लगता है। लीगल इनकम पे तो लगना ही है और वो तो पहले ही लग चुका है, लगता है, टीडीएस कटता है, किसी भी तरीके से उस पर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि वो नॉर्मली बैंक से रूट होता है या फिर सैलरी होता है या फिर अगर हम सारे कंप्लायंस को फॉलो करते हैं तो हम लोग उसको लीगल इनकम बोलेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इलीगल वे से काम कर रहा है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जिसपे वो शो ही नहीं करता और टैक्स को पूरा बचाना चाहता है, टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है, तो वैसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि खबरदार हो जाइएगा और आप भी कंप्लायंस मोड में आ जाइए, टैक्स जरूर पटाइए। इनकम इलीगल हो चाहे लीगल हो, टैक्स पूरा लगता है। अगर आप छुपाएंगे और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला कि भाई आपने टैक्स को छुपाया है, तो याद रखिएगा बहुत हैवी पेनल्टी लगती है। पेनल्टी जितना टैक्स है उसका 3 गुना तक जा सकता है, 1 गुना से 3 गुना पेनल्टी लगती है। ब्याज जो बैंक में आपका ब्याज दर है ना उसका 2.5 गुना से भी ज़्यादा ब्याज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लेता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि इनकम इलीगल है या फिर उस पर टैक्स नहीं दिया हुआ है, वो काला धन है, तो कैसे भी करके उस पर टैक्स खुद से पटा दे। क्योंकि अगर कहीं से डिपार्टमेंट को पता चला और उन्होंने प्रोसीडिंग करी तो फिर जितना हमारा अमाउंट ही नहीं होगा उससे ज़्यादा हमारा टैक्स में चले जा सकता है। तो इनकम लीगल हो चाहे इलीगल हो, ये दोनों पे पूरा टैक्स लगने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स देने की जरूरत रहती है, राइट? जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या जिनको फाइल करना चाहिए, ऐसे लोगों को हम एसएससीज बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम एसएससीज बोलते हैं, ठीक? इनको कर निर्धारिती बोलते हैं, हिंदी में कर निर्धारिती, ठीक? ये पर्सन्स कौन कौन होते हैं जिनको कि टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, ये हम बताते हैं। टैक्स देने का ज़रूरत सबसे पहला इंडिविजुअल, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल मुझे, मैं एक एसएससी माना जाऊँगा, एक पर्सन माना जाऊँगा। तो ये मैं जितने लोगों की भी नाम ले रहा हूँ ये इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन पर्सन के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो पर्सन सबसे पहला जो होता है वो होता है इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने नाम से काम व्यापार या कहीं पे उद्यम कर रहा है तो वो इंडिविजुअल आया। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स की नज़र में एक अलग एंटिटी है जिसका पैन कार्ड अलग रहता है और उसके बैंक अकाउंट अलग हो सकते हैं, उसके सारे बिजनेस अलग हो सकते हैं। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हमारे लिए एक एसएससी हो गया। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म, उसका भी पैन अलग से बनता है, वो एक अलग एसएससी माना जाता है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म आ गया। कोई भी कंपनी जो कि अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर पहले की जो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई हो तो वो भी हमारे एक एसएससी मानी जाती है। कोई भी सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, नगर पालिका, निगम या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिकल पर्सन जिसको कि अलग से एक सत्ता दी गई है, अलग से वो सील मोहर के जरिए अपना काम चलाते हैं, तो वो सारे जो है एसएससी माने जाएंगे। एक बार मैं रिवाइज कर दूं, एसएससी में कौन कौन आते हैं आसान शब्दों में समझते हैं।
इंडिविजुअल आएगा, व्यक्ति, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा पार्टनरशिप फर्म, चौथा हमारा कोई भी कंपनीज अगर है तो वो आ जाएगा, पांचवा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग मिलाकर जो कोई एसोसिएशन बनाएंगे, छठवा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सातवा कोई भी दूसरी लीगल वे में रिकग्नाइज्ड अगर एंटिटी है तो वो आ जाएगा, एग्जाम्पल जैसे ट्रस्ट हो गया, मंदिर हो गया, तिरुपति मंदिर भी एक आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्सन है, तो ये सारे लोग हमारे लिए एसएससी माने जाते हैं। धन्यवाद।